तो गाइज इस क्वेश्चन में हम बात करेंगे, कह रहा है राधा डोनेट रुपी 1 लाख टू अर्थर्स्ट बाय द इंटरेस्ट गेन ऑन हिज सम 5 स्कॉलरशिप आर गिवेन इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम फाइंड द अमाउंट इट्स अ स्कॉलरशिप। हो क्या रहा है यहाँ पे कि राधा है कितना डोनेट कर रही है, 1 लाख रुपये डोनेट कर रही है किसी ट्रस्ट को, और जब ये ट्रस्ट को डोनेट करती है तो इस ट्रस्ट से 5 स्कॉलरशिप दिए जाते हैं। तो अब आपको ये बताना है कि इसका जो इंटरेस्ट से 5 स्कॉलरशिप दिए जाते हैं, आपको ये बताना बच्चों कि इसके स्कॉलरशिप की अमाउंट कितनी होगी। तो बहुत ईजी है, देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन को जो चीज़ गिवन है आप वो लिख लो। क्या गिवन है बच्चों? तो यहाँ पे गिवन है प्रिंसिपल, कितना है 1 लाख 3 to 5, ठीक है, कितना है 1 लाख रुपी है। ओके बच्चों, और क्या गिवन है? और आपका रेट गिवन है, कितना रेट है इसका 12% पर एनम। तो कितने टाइम के लिए, अब देखो कह रही ना कितने टाइम के लिए, तो राधा डोनेट रुपी 1 लाख टू अ ट्रस्ट बाय द इन्वेस्टिंग गेन ऑन हिज सम 5 स्कॉलरशिप आर गिवन इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम फाइंड द अमाउंट इट्स स्कॉलरशिप। मतलब यहाँ पे टाइम हमारा क्या होगा, केवल 1 ईयर होगा। क्या होगा बच्चों? केवल 1 ईयर होगा, क्योंकि उसी साल स्कॉलरशिप दी जा रही है। तो यहाँ से आपको फाइंड करना है SI, तो SI इज इक्वल टू होता है PRT बाई 100, ठीक है बच्चों। SI इज इक्वल टू क्या होता है? PRT बाई 100। तो जब SI इज इक्वल टू PRT बाई 100 हो गया तो चलिए फाइंड कीजिए। तो P की वैल्यू कितनी है? P की वैल्यू बहुत लंबी है, कितनी है 1 लाख। इंटू R की वैल्यू कितनी है बच्चों? ये 12, और T तो आपका 1 है, और इसको डिवाइड करेंगे 100 से, तो 20 से यहाँ इसका 20 कैंसिल हो जाएगा। अब 12 हो जाएगा और उसके साथ 3 जीरोज, मतलब 12,000 आ गया इसके SI। तो अभी इसी स्कॉलरशिप को बच्चों 5 स्कॉलरशिप में बांट दिया जाता है। ये जो अमाउंट आता है ना, इसको 5 स्कॉलरशिप में बांट दिया जाता है, तो फाइंड इट्स स्कॉलरशिप। तो स्कॉलरशिप की जो अमाउंट होगा उसे अगर हम फाइंड करने की बात कहेंगे तो देखो क्या हो जाएगा। तो अमाउंट ऑफ इच स्कॉलरशिप कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12,000 अपॉन 5, तो 5 2 10 हो गया, 2 गया इसके पास, 5 4 20 हो गया, और इतना तो आ गया, कितना आ गया 2,400 रुपी पर बच्चों को मिलेगा। कितना मिलेगा बच्चों? 2,400 रुपी पर बच्चों को मिलेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ हर स्कॉलरशिप कितना हो जाएगा बच्चों? रुपी 2,400, और ये क्या होगा? आपका आंसर होगा। तो बच्चों वीडियो कैसी लगी ज़रूर आप बताना, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है बच्चों। फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।